वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात छोड़ी थी, एंड दिस इज बेसिकली द पॉइंट। अब हुआ ऐसा से था कि हमारे पास एक साल तक तमाम तर एम्प्लॉइज ने अपने अपने लिहाज से बात की और उन्होंने कहा ठीक है जी, एक साल के बाद हम एक सर्टन इंप्रूवमेंट आने को तैयार है। फर्दर मोर इसी चीज को अब उन्होंने प्लान कर लिया कि हम हर साल के बाद चेंज लेकर आएंगे और वो चेंज जो होगा वो बड़ा चेंज, ठीक है, और हर साल के बाद हम लोगों से इवैल्यूएट करेंगे और लोग जो है हमें अपना फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के लिहाज से उन तमाम तर फीडबैक में से जो जो चीजें हम चाह रहे होंगे कि कवर अप हो सके वो हम करते रहेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ स्टेयरकेस ऑल टुगेदर, सही है। और ये जो चीज आपके सामने आ रही है दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल तरीका है, सही है। पंखा लाऊंगा और सही बता रहा हूँ, पेडेस्टल लेकर आऊंगा, सही है। अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि जनाब हमारे पास ये जितनी भी चेंजेस हमारे पास आई हैं, सही है, ये ईयर वन में, ये सेकंड ईयर के अंदर, ये थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है, तो कंपनी जो है ये बहुत ज्यादा इस चीज पे खुश है कि यार हम लोगों ने देखो लोगों को बताया भी, लोगों की चीज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे, लोगों से पूछ के बता रहे, लोगों से इवेल्युएट करें। मैनेजमेंट अपने लिहाज से कुछ गलत नहीं कर रही, ठीक है, उसके लिहाज से कोई चीज गलत नहीं होगी, लेकिन रियलिटी में इसके रिएक्शंस डिफरेंट होंगे एंड लेट्स सी व्हाट द रिएक्शंस आर, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे एक अदद ब्रेड पेन का, मैं ये क्या कर दिया मैंने, ओके। अब जब आपके पास सिचुएशन, हम लोग बैठे हुए थे, अब जरा समझने की कोशिश करना इस चीज को, टुडे पे हैं, सही है, सारी इंप्लॉयज सब कंपनी सब के सब यहां बैठा हुआ है रेड स्पॉट, ठीक है। हमने कहा कि जी हम ये इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं I1। ह्यूमन साइकी है, पहला चेंज लाने के लिए हर कोई एक्साइटेड, एवरीवन इज ऑन बोर्ड, सही है। सो हमारे पास यहां पर अगर 100 लोग थे तो एवरीवन वाज हेयर एंड रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि हर एक को वो चेंज पसंद आ रहा था, हर एक को वो चीज जो थी वो एक्साइटेड था, हाँ यार चलो। इवन अगर आप लोगों से भी कहा जाए कि आप लोगों का कैंपस चेंज हो गया, आप लोग ओलेवस से ए लेवल से अपने पुराने ओलेवस कैंपस में आए हो, तो और उसको हमने चेंज कर दिया, रेनोवेट कर दिया, पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया, कुछ लोग इसलिए हो गए अरे यार पुरानी यादें हैं इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ लोग इसलिए हो गए चलो यार देखते हैं कि चेंज क्या है। सो एवरीवन गॉट एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया, लेकिन एवरीवन विल बी ऑन बोर्ड। अब हुआ ये कि हमारे पास दिन गुजरना शुरू हुए और वो चेंज को हम लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, सही है, अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और हमारे पास अब ये वो पॉइंट आया है जहां पर कंपनी ने मुसलसल हमसे पूछता गया, कंपनी हमसे पूछती गई कि चेंजेस क्या आने चाहिए थे, क्या चीजें थी, क्या चीजें नहीं थी, हम लोग मुसलसल उनको बताते जा रहे हैं, सर ये इंप्रूव कर दें, ये कर लें, ये कर लें, कर सब चीजें उन्होंने कर। और अब एकदम से कंपनी ने एकदम से एक नया चेंज इंट्रोड्यूस करवा। अब इस चेंज के ऊपर कंपनी ये कह रही है कि हर कोई इस चीज के लिए रेडी हो जाए कि चेंज आएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली जब मैनेजमेंट चाहेगी कि हर कोई यहां आ जाए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाए एक साल के बाद, एक साल एकदम से, यानी अपने आप को फ्लिप करें, इंप्रूव करें, 100% लोग इंप्रूव नहीं कर सके, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम लेंगे चेंज लाने के, ठीक है, और यहां पर आते आते दे विल टेक टाइम, और जैसे ही दूसरा साल खत्म होगा एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटिवली रेडी टू ब्रिंग अनदर चेंज, सही है, यहां से I2 से I3 की तरफ चले जाएगा। और अभी जो ये बेचारे ऊपर आते गए हैं, ये जो लोग ऊपर आ रहे हैं रेड वाले जो लोग ऊपर आ रहे हैं, अभी उन्होंने वहां से पहुंचे ही थे, अभी उसको एडॉप्ट नहीं किया था, अभी उसको अंडरस्टैंड नहीं किया था कि एकदम से यहां पर फिर एकदम से बिगल बचती है, कहा जाता है कि जनाब आपको अब जो चेंज लेकर आना है वो पॉइंट सी पे मूव करना है। ये इंप्लॉई अब जो यहां पर बेचारे बैठे हुए, जो पहले 100 इंप्लॉयज थे जो सबके सब ऑन बोर्ड थे, अब कुछ ऐसे इंप्लॉयज हैं जो कि ऑन बोर्ड होंगे, सब नहीं होंगे, ठीक है।
यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से ले लेंगे, तकरीबन कोई 60 लोग जो थे वो उन्होंने चेंज एक्सेप्ट कर लिया, और जो 40 लोग थे वो शायद ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। अब हुआ ये कि अब इस 60 में से कुछ लोगों ने वो चेंज लाना शुरू किया, ठीक है। अब इस 100 में से कितने लोग यहां पर रह गए? सिर्फ 60 लोग यहां पर रहे, और बाकी लोग कहां चले गए? बाकी लोग आ गए यहां पर, क्योंकि दे बेसिकली वर टेकिंग मच टाइम देन रिक्वायर्ड, हमेशा से होता है इस तरह से। अब जब 60 लोग थे, जब नेक्स्ट चेंज आना शुरू हुआ, तो इस 60 में से तकरीबन 30 ऐसे लोग थे जो चेंज के लिए रेडी रह गए, लेकिन अब इस नंबर को बढ़ना शुरू हो गया। ये देखो, अब ये जो नंबर है यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है। ये लोग अभी तक रेडी ही नहीं हुए थे कि अब नेक्स्ट चेंज लेकर आएंगे, और अब यहां पर तकरीबन 70 लोग ऐसे जो इस चेंज से, आप देखो देयर इज अ गैप, मतलब जो चेंज एक्वायर करना था, जो हम चाहते थे चेंज लाना, वो चेंज नहीं ला पाया अभी तक। यानी 70 लोग ऐसे हैं जो इस चेंज के लिए यहां पर उनको होना चाहिए था, लेकिन वो कहां पर है? वो यहां पर है, यहां होना चाहिए था लेकिन कहां पर है? यहां पर है। एक्स पे होना चाहिए था, कहां पर है वो लोग? वाई पर। वो तो पहले ही फेल शॉर्ट है, सही है। आ जाता है जनाब के एकदम से बिगल बचता है कि जी अब आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट I4 पर आना है, अब आपको इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। अब ये जो आपके पास जितने भी लोग हैं, ये ओरिजिनली अब मोटिवेट नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं भाई ये मसला क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ऐसी चीजें चल क्यों रही है, ठीक है। सो उसके लिहाज से दे बेसिकली आर गोइंग टू इंश्योर कि यार ये जो चेंजेस आ रही हैं, दीज चेंजेस आर नॉट बेसिकली मोटिवेटिंग फॉर अस, सही है। और अब ये चीज यहां से ऊपर जाने की बजाय ऊपर जाएगी, और यहां से इट इज गोइंग डाउन नाउ। अब आप असल में ला तो चेंज रहे हैं, सही है, और अब आपके पास इन 10 में से सिर्फ कोई 10 लोग ऐसे हैं जो चेंज है, जबकि 90 लोग अब यहां पर आ चुके हैं। मीनिंग अब आपके जो हेल्पिंग टू वर्ड्स चेंज है वो सिर्फ 10 लोग आपके साथ हैं, और 90 लोग क्या है? बेसिकली रेजिस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि अगर आपके 7 लोग ज्यादा होंगे तो चेंज लाना आसान है। मीनिंग I1 से I2 पर चेंज लाना आसान था, I2 से I3 पे चेंज लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अगेंस्ट लोग कितने हैं? 70, और आपके 7 कितने हैं? 30, सही है, क्योंकि आपके 7 सिर्फ 30 लोग हैं और रेजिस्टेंस में 70 लोग हैं, तो चेंज लाना मुश्किल। चेंज तो लाना है साल के बाद, अगले साल ये और मुश्किल हो जाएगा। और अब आप देखो तो मेजोरिटी की प्रोडक्टिविटी गिर रही, मीनिंग अब मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी अगर हम इस ग्राफ को देखें वैसे। सो ओरिजिनली हो क्या रहा है कि हमारे पास जो इंप्रूवमेंट लानी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आना था, हम कहां पर हैं? हम यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां पर होना चाहिए था, और 90 लोग यहां पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर वो एकदम से बिगल बचती है कि हमें इंप्रूवमेंट ई पे आने वाले, सो इवन ये 10 लोग भी अब नेक्स्ट जंप पे नहीं आने वाले। नोबडी इज फॉलोइंग यू, व्हाई नोबडी इज फॉलोइंग यू, दैट इज द रीजन, दैट इज अ प्रॉब्लम, सही है। अब ये जो है ये ओरिजिनल रिएक्शन है, सही है। दिस इज द ओरिजिनल आउटकम ऑफ ट्रेडिशनल चेंज। अगर आप बड़े चेंजेस लेकर आओगे, यही लाल वाली लाइन फॉलो होगी, ब्लू वाली लाइन फॉलो नहीं होगी, ये याद रखो। आपको लगेगा ऐसा कि शुरू में शायद आपके मोमेंटम के साथ आपके लोग आपके साथ होंगे, लेकिन आगे जाके लोग आपके साथ नहीं होने वाले। शॉर्ट रन में शायद आप बड़ा चेंज ले आए, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये बड़े चेंजेस के लिए लोग आदत ही नहीं होती। सो बड़े चेंजेस को अब क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन जहां पर अब हम लोग बात करेंगे कि हमें असल में करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला गलत हो गया है तो देयर हैज टू बी अ वे आउट, सही है। और अब क्या तरीका करना है उसके बारे में बात करते हैं। Fine. अब ओरिजिनली जो तरीके कार इस्तेमाल किया जाता है
वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो जो तरीका बनेगा वो मैं बनाऊंगा खट्टे तरीन कलर से। दुनिया का खट्टा तरीन कलर कौन सा मेरे पास? नहीं, लाल से मैच हो जाएगा, पर्पल, पर्पल से नहीं, हम तो ग्रीन से करें, ग्रीन, ठीक है जी। अब ये जो एक चेंज है ना, सिर्फ एक आई वन से आई टू का जो चेंज है, असल में तरीकाकार किया, आप साल का वेट ना करें, आप बड़े चेंज का वेट ना करें, इंस्टेड वॉट यू डू, कन्वर्ट दिस बिग चेंज इन टू स्मॉलर एक्सेप्टेबल चेंजेस, इंस्टेड के आप चीज को जो है वो लेकर आए और करना शुरू करेंगे जी हम साल के बाद इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, व्हाई डोंट यू जस्ट इंश्योर कि ये छोटे छोटे सब चेंजेस आप लाते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही है, आपके पास जो एक चेंज आई वन से आई टू के दरमियान का चेंज था, सही है, आपने क्या किया, आपने उस चेंज को ओरिजिनली क्या क्या चीज आपने की है, उस पर्टिकुलर चेंज को आपने कन्वर्ट किया इनटू स्मॉलर, सही है। ये जो एक जो चीज है ये बेसिकली क्या चीज है, ये पूरी की पूरी इट्स बेसिकली अ स्मॉलर चेंज, एक्सेप्टेबल चेंज, स्मॉलर एक्सेप्टेबल चेंज, रादर बड़ा मेजर मैमथ किस्म का चेंज लाने से बेहतर ये कि माइनर चेंजेस पे चलो, लेकिन वो माइनर चेंजेस मुसलसल होने चाहिए ताकि लोगों की ट्रांजेक्शन हो भी जाए और पता भी ना चले, और रियलिटी के अंदर ऐसा होता है। सही है, आप लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं रोजाना, ठीक है, और आप लोगों को पता नहीं चलता और आप बड़े हो गए, शायद आप वही छोटे बच्चे हैं अभी अपनी नजर, अपनी खाला की नजर में या अपने मामू की नजर में जिनको उन्होंने छोटे से होते हुए देखा, और कुछ अर्से के बाद जब वो आपको देखते हैं तो उनका पहला जवाब ये होता है माशाल्लाह बड़ा हो गया, जाहिर से बड़ा तो होना था, आप भी तो बुढ़े हो गए। तो अब मैंने खैर पता नहीं आप लोगों के साथ मैंने बात की भी इस बारे में नहीं की भी, मेरी खाला है वो कनाडा में होती है, तो भाई अब वो कनाडा में होती है माशाल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान आना नहीं होता उनका, जब वो आई थी तो मैं छोटा था, सही, उससे पहले आई थी मैं तकरीबन न्यू बॉर्न था, तकरीबन उनसे मेरी दो दफा मुलाकात हुई, लेकिन रहती वो कनाडा के अंदर। अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा जब उन्होंने पहली दफा मुझे देखा था बचपन में तो आई वॉज लाइक एक साल का, तो एक साल का बच्चा क्या करता है डायपर में फिरता है ना, अब हम फिर रहे थे डायपर के अंदर, उनको बस वही दानिश याद था। अब तकरीबन कुछ 17-18 साल के बाद वो पाकिस्तान है, तो मैं तकरीबन 18-19 साल का हो चुका था उससे। आते के सर पहला सवाल क्या था, पहला स्टेटमेंट क्या था, माशाल्लाह बड़े हो गए डायपर में देखा था, जाहिर से 18 साल के बाद आंटी आ रही हो, आज थोड़ी डायपर में फिर रहूंगा यार, मैंने भी तो बड़े होना है, आप भी तो बूढ़ी हो गई है, लेकिन नहीं, उन्होंने जब चेंज देखा कि वो तो छोटा सा था, हाथ में उठा के फिरते थे तुम्हें तो सही है, लेकिन अब माशाल्लाह मैं 6 फीट का हो चुका हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे हाथ में उठा के नहीं फिर सकते। उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज था कि 18-19 साल के बाद उन्होंने मुझे देखा। जब आप एक बड़ा चेंज लेकर आओगे तो एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल हो। आप मैं रोजाना अपने आप को देख रहा हूँ, बचपन में जितना मैं क्यूट हुआ करता था आज अल्हम्दुलिल्लाह क्यूटनेस करीब से भी नहीं गुजरती, लेकिन ये किस तरह से गायब हुई क्यूटनेस मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़हन में रखते हुए कि शायद अगर कोई बहुत अरसे के बाद देखे तो शायद मुझे बोले यार पहले तुम ज्यादा मुंह पत्थे लगते थे, अब तुम इंतहाई फिटकार बरसती है, उसके लिए चेंज थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मैंने रोजाना अपने आप को देखा और मुझे पता भी नहीं चला वो कब रूप आया और कब रूप गया वाली कहानी, सही है, क्योंकि ओरिजिनली दैट इज अ चेंज मैं रोजाना देख रहा था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया आप पेपर में नहीं लिख सकते, सही है, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो आपको बुलाएगा बेटा दोबारा आ जाओ क्या एग्जाम्पल दे रहा है। तो इस चीज को ज़हन में रखो। अब देखो ये बेसिकली वो स्टेयरकेस है, यानी कि एक चेंज लाने में आपको मल्टीपल चेंजेस लाने होंगे, और ये जो एक गोला बनाया है जिसको मैं गोला बना के मैं बात करूंगा, पर्पल कलर का गोला बनाऊंगा, बन जा, ये जो मैंने एक आपके सामने जो इस एक चेंज को लेकर आया, ये क्या कहानी है, ये कहानी है जनाब ठीक है, आप बड़े चेंज से लाने से बेहतर यह है कि आप स्मॉलर एक्सेप्टेबल चेंजेस लेकर, जब आप स्मॉलर एक्सेप्टेबल चेंजेस लेकर आएंगे ये ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, जब ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे तो लोगों को पता चलेगा यार इनकी आदत है, ये है ही ऐसे लोग, इनका दिमाग खराब है, ये हर 2 दिन के बाद चेंज लाते रहते,
तो आदत है बेटा, यही कल्चर, यही कल्चर है. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ होलसम न्यू चेंज, इट इज बेटर टू ब्रिंग स्मॉल रिलेटिव एक्सेप्टेबल चेंजेस सो दैट एवरीवन गेट रेडी. कि यार इतना हल्का सा चेंज करना है मुझे, मुझे एक स्टेप बढ़ना है. जैसे आपने जब चलना शुरू किया होगा, आई रिमेम्बर कि आप लोगों ने जिस वक्त कोई बच्चा जो चलना शुरू करता है तो अजीब बेहंगम तरीके से वो चलता है. और करते क्या है कि आप लोगों ने भी किया होगा किसी छोटे कजन के साथ, कि जिससे चलना शुरू किया होने वाला होगा, कुछ इस तरह की चीजों की आपसे एक कोने में खड़े कर देते होंगे, सही है, और उसको अजीब तरीके से हाँ जो हाँ जो हाँ जो करके आप उसको बोलते होगे, तो अजीब बेहंगम तरीके से आपकी तरह देखता होगा, या मुझे कहाँ किस सहरा में छोड़ दिया, मैं अगला स्टेप कैसे लूँ, तो अजीब डगमगाता वो स्टेप लेता होगा, गिर जाता होगा, फिर आप कहते ओ क्यूट, दोबारा खड़े कर देते, फिर वो करता होगा. उसके दिल पे क्या गुजर रही है आपको नहीं पता, लेकिन वो एक एक स्टेप आप उसको दिलवाते हैं. इस तरह से आप लोगों ने भी चलना शुरू किया होगा, माशाल्लाह आज घोड़ों की तरह भागते हैं आप, सही है. तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके लिए उस चीज पे कैपिटलाइज करना आसान है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट थिंग. देयरफॉर यही चीज चेंज मैनेजमेंट के अंदर भी आती है. चेंज मैनेजमेंट कहती ये है कि जनाब अगर आपने कोई भी चेंज लाना है, उस चेंज को अगर आप रिलेटिव बेसिस के ऊपर, स्मॉल बेसिस के ऊपर, एक्सेप्टेबल बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो चेंज आना आसान हो, इंस्टेड के आप कोई बड़ा चेंज देख रहे हैं. देयरफॉर अब चेंज लाने में हमारे पास तीन स्टेप्स हो. पहला स्टेप हम इसको क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. पहला स्टेप के चेंज लाने में हमारे पास पहले होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज. ये आ क्यों रही, ओवरकम करनी रेजिस्टेंस को, लोग चेंज क्यों नहीं होना चाहते, पहले तो जरा हमने इसके बारे में बात करनी, ठीक है. फिर हम लोगों ने बात करनी है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सही है. और फिर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनानी हाउ टू एक्शन, हाउ टू टेक द एक्शन. तो हमारे पास जो तीन जो पॉइंट्स हमारे पास स्टेप्स होते हैं चेंज के, ठीक है. तो तीन चीजें हैं. चीज नंबर वन इज ओवरकम द एम्प्लॉय रेजिस्टेंस. क्या रीजन है भाई एम्प्लॉय रेजिस्ट कर रहा है, पहले पता होना चाहिए, सही है. हो सकता है शायद अगर हम उनकी रेजिस्टेंस खत्म कर दें तो शायद हमारे साथ मिलना शुरू हो रही, ठीक है. फिर उसके बाद अगर वो हम रेजिस्टेंस खत्म करते हैं तो टेक्निक्स इंप्लीमेंट कैसे करना है, चेंज कैसे इंप्लीमेंट करवाया कैसे जाता है. अभी पहले पूछा जा रहा है भाई चेंज क्यों नहीं करना चाह रहे, भाई क्या मसला है, छह दिन से तुमने शर्ट पहने में मसला क्या है, क्या किसी की खुशबू इसके अंदर है, या क्या चीज है, तुम इंतहाई बुरे लग रहे हो, स्मेल आनी शुरू हो चुकी, क्यों नहीं चेंज कर रहे तो, रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारी, क्यों व्हाई आर नॉट चेंजिंग द शर्ट. बस सर कुछ ऐसा साथ है जो साथ अटैच हो चुके हैं शर्ट, पर ठीक है यार निकलो मूव ऑन. अब इम्प्लीमेंटेशन, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज की तरफ लेके जाएंगे, किस तरह से उसको चेंज ला के, क्योंकि सर आज सिर्फ शर्ट ही चेंज करवानी, अब सर सर उसकी शर्ट चेंज करवानी, ठीक है. तो उसके लिए रेडी करना पड़ेगा द स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग चेंज. कैसे हम लोगों ने चेंज लेकर आना है, तो टेक्निक्स, ओवरकम रेजिस्टेंस एंड देन स्ट्रेटजी, ये सारी हम लोगों ने बात करनी है, तीन स्टेप होते हैं. जब कभी भी आपने चेंज मैनेजमेंट की बात करनी है, याद रखिएगा इससे पहले आपका कंटेंजेंसी प्लान एक्टिवेट हो चुका होगा. सो विदाउट कंटेंजेंसी प्लान चेंज मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं रही. यहां तक अभी हम लोगों ने बात की है. अब हम लोग इंशाल्लाह ताला मंडे को फिजिकल क्लास में आएंगे. आई जस्ट विश 30 मिनट्स वाली क्लास का कॉन्सेप्ट ना हो, अदरवाइज फिर तो ये टॉपिक रह जाएगा. अगर हो गया तो फिर हम 30 मिनट्स के लिहाज से करेंगे, लेकिन आई जस्ट विश के क्लास का ना बिठा के आप सबको एक साथ ही पढ़ा दिया जाए, और कैसे किया जाएगा आई हैव नो आइडिया, तो देखते हैं. सो इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारा ये चेंज मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और वेंसडे तक हमारा यूनिट स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, सही है. और फिर हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर
वाह क्या बात, जबरदस्त। ठीक है जी, तो जाए एंजॉय करें और क्वेश्चंस के लिए रेडी रहेगा, शाम में इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, टाटा, एंजॉय। इधर एंजॉय बोला है और उधर धड़ धड़ जाना शुरू हो जाता है बंदा, कुछ तमीज से कुछ वेट कर लेता है। नहीं अल्लाह हाफिज़।